आप देख रहे हैं वार्ता 24। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां बात भारत देश की आती है, तो हर साल भारत से कई लोग अमेरिका जाते हैं और वहां अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अमेरिका में हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक धर्मों में शामिल था, लेकिन बात करें आंकड़ों की तो वर्ष 2007 से अब तक के आंकड़ों को देखा जाए तो अमेरिका में हिंदुओं की आबादी में 85% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में हिंदू धर्म मानने वाले लोग चौथे पायदान पर हैं। यहाँ हिंदू आबादी का आंकड़ा 22.5 बताया जाता है, यानी 2007 से 2014 तक लगभग 10 लाख हिंदू आबादी की बढ़ोतरी हुई है। देश में यहूदियों के साथ सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आबादियों में हिंदू धर्म शामिल है। अमेरिका में रहने वाले लगभग भारतीय अपना धर्म हिंदू बताते हैं और वो अपने जीवन साथी के रूप में भी अपने धर्म के व्यक्ति को ही चुनना करते हैं। इनकी किसी और धर्म में रुचि नहीं होती है। ऐसा करने वाले लोग 91% हैं। इसी के साथ ही साथ एक और दिलचस्प बात ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका में हिंदू मंदिरों की संख्या 435 से बढ़कर 1000 हो गई है। ये डाटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरिज्म के द्वारा जुटाया गया है। अमेरिका में हिंदू मंदिरों में भजन कीर्तन के स्वर गूंजते रहते हैं और अमेरिका में पहला मंदिर वेदांत सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था। 2007 में अमेरिका में हिंदू मंदिरों की संख्या 53 थी, जो 2023 यानी कि आज बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है। मंदिरों की बढ़ती संख्या इस बात की ओर संकेत कर रही है कि अमेरिका में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अपने देश से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहते। इसी के साथ भारत में प्रचलित योग और आयुर्वेद अमेरिका में भी प्रचलित है। न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम गणेश स्ट्रीट टेम्पल के नाम पर रखा गया है। वर्तमान समय में अमेरिका में 33 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 50 वर्षों में ये आबादी 1.2% यानी लगभग 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं में 47% हिंदुओं के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और यहाँ होने वाले अपराधों में हिंदुओं का नाम ना के बराबर है। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।